सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? बाल गोविंद सिपूजन विश्वकर्मा। सर कहाँ से आए हो आप? मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बस्ती पोस्ट कुदरा ग्राम प्रेमा से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था और मुझे कोई लाभ नहीं मिला। मेरे अंदर तो बहुत सारी बुराइयाँ थी। बुराइयाँ बोलने जाऊँगा तो मैं बोलते बोलते थक जाऊँगा। वो बुराइयाँ मेरी छुट्टी नहीं। मैं बहुत तंत्र मंत्र मौलवी माजिद मंदिर पे भी गया। जो जो लोग बताते थे ये करो वो करो, हनुमान जी के मंदिर में जाता था हर शनिवार को। मैं बोलते हैं मदार का माला पहनाओ, मैं माला भी डालता था। क्या क्या बुराइयाँ थी आप में? बुराइयाँ मेरे अंदर पहला तो ये था कि मैं नशा बहुत करता था। तम्बाकू मैं 5-5 मिनट में खाता था काम पे, और शाम को जैसे मैं काम से आता था तो दीवा स्टेशन पे उतरता था और मैं दारू के दुकान पे जाता था। पहले मेरे को वही दिखता था कि पहले मैं दारू पीऊँ, दारू पीने के बाद ही मेरा शरीर थोड़ा हल्का होता था, इसलिए कि मेरे अंदर ब्लड प्रेशर भी हो गया था और मेरा सर बहुत दुखता था। कई बार मेरे को साइड पे चक्कर भी आ गया था। सर आप जो ये साधनाएं कर रहे थे उसके साथ साथ आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी थी, तो सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला आपको? संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? मेरा एक साला संदीप विश्वकर्मा, वो बोला कि संत रामपाल जी महाराज का थाने में सत्संग रहता है और सत्संग में आओ और उनका सत्संग सुनो, हो सकता है आपका सब समस्या दूर हो सकता है। मैंने बोला ठीक है। मैंने तो बहुत सारे देवी देवता का पूजा किया लेकिन फिर भी मेरी बुराइयाँ क्यों नहीं छूट रही थी, उसमें कारण क्या था? मैंने बहुत सारी उपासना भी करते थे, बहुत रुपया पैसा मैंने बहुत खर्चा कर दिया अपने जीवन में। मैं बहुत बुरी समस्या में हो गया था। मेरी औरत भी कभी कभी रोती थी कि मेरे पति को क्या हो गया और मैं कैसे जीऊँगा, मेरा आगे कोई सहारा नहीं है। जो भी मेरे से श्रेष्ठ मिलते थे उनसे मैं पूछता भी था कि भाई अरे मेरे को कहीं दिखाओ, मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ। और मेरे तो बहुत आगे पहले था लेकिन पीछे जाने लगा। संत रामपाल जी के बारे में कैसे पता चला? वो मेरा एक साला संदीप विश्वकर्मा, वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग में लेके गए। उसके बाद मैं सत्संग सुना सृष्टि रचना। सृष्टि रचना सुनने के बाद मुझे मालूम हुआ कि ये सत भक्ति है, ये सत रास्ता है। मेरे मन में ऐसा प्रेरणा होने लगा। उसके बाद सत्संग सुनने के बाद एक कृति शर्मा का इंटरव्यू आया, इंटरव्यू सुना। उन्होंने ऐसा इंटरव्यू था, वो भी नशे ही की इंटरव्यू थी। उनकी पति ने बहुत नशा करते थे तो मैं भी तो करता ही था, लेकिन मैं उसी सत्संग में आधा घंटा बहुत रोया। इसलिए रोया कि मैं एक तुच्छ इंसान हूँ कि मांस मदिरा खा रहा हूँ और इससे हमें मुक्ति चाहिए। तो परमात्मा ने ही मुझे वो मुक्ति दिलाए और मैं वो सत्संग सुनने के बाद 17 दिसंबर 2017 को नाम दीक्षा लिया। आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित होकर 2017 में नाम दीक्षा ली। हाँ। क्या उस समय आपको पता था कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था वो जेल में है, लेकिन फिर भी जेल में है तो फिर हमको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा जो समस्या था वो मुझे समस्या से दूर होना था। हमारी जब समस्या दूर हो गई तो हमने समझ गया ये पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी ही धरती पे आए हैं। आपका कहने का मतलब है कि आपकी समस्याएं दूर हो गई, आपका नशा छूट गया? नशा बिल्कुल क्षण भर में, जैसे मैं नाम दीक्षा लेके घर पे आया मेरी औरत बोली और मेरे अंदर इतना स्पिरिट बढ़ गया। मैं आते आते तुरंत फटाफट घी का जोत जलाया, फटाफट उनकी भक्ति आरती जो भी बताते हैं सब चालू कर दिया और एक क्षण में मैंने नशा छोड़ दिया। और मुझे अभी मैं तो सीख तो सर क्या आपको नशा छोड़ने के लिए कोई दवाई दी गई? नहीं, सत्संग में कोई दवा कोई दुआ नहीं मिलती है, सिर्फ सत भक्ति बताते हैं और अपना मंत्र बताते हैं और आरती सुनते हैं। लेकिन सर किसी मंत्र जाप से समस्याएं दूर होने लगी, सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि सर लाखों की संख्या में पहले से बहुत सारे गुरु मौजूद हैं, वो भी यज्ञ हवन करते हैं, मंत्र देते हैं, लेकिन लोगों का नशा नहीं छूट पाता। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा कैसे छूट गया?
वही मैं बहुत सारे जगत वाले को बताता हूँ कि भाई बोलते अरे मेरा नशा नहीं छूट रहा। मैं बोला कैसा बात करते हो नशा नहीं छूट रहा, मैं तो डेली दारू पीने वाला इंसान था, लेकिन लोग बोलते नशा नहीं छूट रहा। मैं बोलता हूँ संत रामपाल जी के शरण में आ जाओ, फिर देखो क्षण भर में नशा छूट जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, और क्या क्या लाभ मिले? मुझे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मुझे आध्यात्मिक लाभ तो ये हुआ कि हमारी नशा ख़त्म हो गई, हमें जीव कल्याण मिला और अपने को आध्यात्मिक लाभ हुआ। और मेरा तो बहुत बीमार रहता था, बीपी हाई था मेरा, सर बहुत दुखता था, कभी कभी ऐसे रास्ते में मेरे को चक्कर भी आ गया, मैं गिर भी पड़ा हूँ। मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत दवा हुआ। अभी कलवा अपना शिवाजी हॉस्पिटल में मैंने बहुत दिन तक दवा किया, लेकिन कुछ भी आराम नहीं हुआ। जैसे मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मुझे सारी बीमारी दूर हो गई। सर, जो लोग आज ये सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले, वो जेल में है, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सारे जगत भाइयों बहनों से मेरा यही बार बार प्रार्थना है कि 7:30 बजे साधना टीवी चैनल पे सत्संग देखें, और एक पीली पट्टी आती है संत रामपाल जी का कहाँ कहाँ पे नामदान सेंटर है, वो नंबर से आप फोन करोगे आपको बता दिया जाएगा, वहाँ से आपको नाम दीक्षा प्राप्त होगा। जी धन्यवाद। नमस्कार सर जी।